मैं न केवल वापस आया बल्कि दो पार्टियों को तोड़ कर लाया। फडणवीस का इशारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की ओर था। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल के खिलाफ बीड में भड़काऊ बयान देने के आरोप में मामला दर्ज। भिवंडी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 2 मई तक टली। कांदिवली पश्चिम नगर में नगर पालिका द्वारा पोईसा नदी पर एक संकीर्ण पुल के निर्माण के कारण वाहन चालकों और यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के रात में आने वाले गंतव्य स्टेशनों के लिए रेलवे ने बनाए नए नियम। यात्रियों को जगाने की जिम्मेदारी टीजी की होगी। महाराष्ट्र पुलिस ने 30 करोड़ का म्याऊ म्याऊ ड्रग्स पकड़ा, 2 तस्कर गिरफ्तार, थाना कसार वडवली का मामला। किसानों की समस्याएं और मराठा आरक्षण होगा महाराष्ट्र में अहम मुद्दा। धारावी में महानगर पालिका की अवैध निर्माण पर कार्रवाई। धारावी के एकेजी नगर स्थित चमड़ा बाजार में हुए अवैध निर्माण को जमीन दोस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। मुंबई की जुहू पुलिस ने 81 वर्षीय पुलिस की पिटाई कर लूटपाट करने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अंधेरी स्थित एक निवेश सलाहकार निवेशकों के करोड़ों रुपए लेकर भागा। आरोपी के देश से भागने की कोशिश से डरे निवेशक ओसिवरा पुलिस स्टेशन पहुंचे, मामला दर्ज। पैदल जा रहे एक युवक की कंटेनर की टक्कर से मौत, नारपोली पुलिस पहुंची मौके पर। नकली पेंटिंग बेचकर 17 करोड़ 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी, हवाला नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली, शिवसेना के लिए काला दिन, एकनाथ शिंदे का बयान। मनोज जारंगे से मिले अशोक चौहान, बोले समुदाय के मुद्दों पर हुई चर्चा, चुनाव से कोई संबंध नहीं। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका, एमएलसी अमस्या पाडवी एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। नालासोपारा स्टेशन और वसई स्टेशन के बीच में ट्रैक के किनारे भीषण आग लगी, किनारे पर फेंके गए कूड़े के कारण आग लगने की आशंका। नासिक के लासलगांव योगेश कृषि सेवा केंद्र में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। नवी मुंबई में तुरभे इलाके में स्थित बंगालीपुरा इलाके में पुलिस ने छापा मारकर बांग्लादेशी जोड़े को किया गिरफ्तार। नालासोपारा कलम के गांव में विद्युत समस्या का समाधान करना हमारा पहला लक्ष्य, राजेंद्र गाविक का बयान। ट्रेन के जनरल कोच में ड्रग सप्लाई करने वाले 2 गिरफ्तार, मुंबई पुलिस की टीम ने हिमाचल प्रदेश से मुंबई तक ट्रेन के जनरल कोच में सफर करते हुए ड्रग की सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नफरत के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है न्याय यात्रा, प्रदेश सचिव कैप्टन सत्यम ठाकुर का बयान।